आकस्मिक धन और नकद प्राप्ति करने का एक सिद्ध चमत्कारी उपाय लेके आज आप लोगों के सामने में आया हूं। ये उपाय तंत्र गुरु चैनल पर पहली बार आप लोगों के लिए है। संपूर्ण अनुष्ठान पद्धति आप लोग एक बार देखिए, समझिए, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रयोग पद्धति से आप लोग माता लक्ष्मी को अपने घर में आवाहन कर सकते हैं। जो विशेष दिन का बारे में मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, उस विशेष दिन माता लक्ष्मी घूमते हैं। शास्त्र में इसका उदाहरण है। जो भी कंटेंट बनाता हूं इसका कोई बोल नहीं पाएगा, गुरु जी काल्पनिक बातें बताए, मनगढ़ंत कोई बातें बताए, इसका शास्त्र में प्रमाण है, उदाहरण है, एकाधिक उदाहरण है शास्त्र में। बाहर क्या है मुझे पता नहीं, बंगाल में एकाधिक उदाहरण इस पूजा का बारे में आगे में वीडियो के अंदर आप लोगों को बता रहा हूं। इस अनुष्ठान को करने के लिए सिर्फ एक रात आप लोगों को जग के बिताना है। माता लक्ष्मी आपके शरीर में, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर स्थायी रूप से निवास करेंगे। माता का कृपा और करुणा आप और आपके परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, छोटा सा वीडियो होगा आज का। ये कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए। चलिए आज का कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। विषय एक सिद्ध महालक्ष्मी तांत्रिक पूजा पद्धति एवं उपाय आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु। प्रयोग होगा 9 अक्टूबर 2022 पूर्णिमा के दिन। इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा बोला जाता है। बंगाल में इस पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। शायद इसको शरद पूर्णिमा भी बोला जाएगा। ठीक है, इस पूर्णिमा का अनुष्ठान माता लक्ष्मी को संपूर्ण रूप से समर्पित। शरद पूर्णिमा 9 तारीख पूरा दिन है और रात्रि 2:26 तक रहेगा। रात्रि 2:26 तक रहेगा। तो आप लोग शाम के टाइम में पूजा अनुष्ठान शुरू कीजिए। सूर्य अस्त जाने के बाद, ठीक, पूर्णिमा सुबह है लेकिन सुबह अनुष्ठान नहीं होगा। अनुष्ठान होगा शाम के टाइम में। सूर्य अस्त जाने के बाद अनुष्ठान शुरू होगा। अगर आप लोग अपने घर में पंडित को बुलाकर पूजा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, पंडित को बुलाकर पूजा अनुष्ठान कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप अपने घर में खुद ही पूजा अनुष्ठान, माता लक्ष्मी का घट अगर आप लोग बिठाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी का घट बिठा कर पूजा अनुष्ठान कीजिए। नहीं घट बिठाना है तो माता लक्ष्मी का चित्र तो आप लोगों के घर में जरूर होगा। चित्र के सामने बैठिए पूर्व या उत्तर दिशा की और मुंह करके धूप दीप जलाकर मैं आप लोगों के लिए एक मंत्र एक स्तव आप लोगों के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उल्लेख कर दूंगा, विवरण बॉक्स पर। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई माता का स्तोत्र कवच कुछ भी आता है, इससे पहले भी मैं एक धन प्राप्ति के लिए एक माता का बहुत सुंदर 12 नाम एक मंत्र दिया था। अगर आप लोग चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, उस मंत्र का अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मूल वक्तव्य है इस पूर्णिमा के समय आप लोग को जो भी आता है आप लोग कीजिए। आप लोग वेज खाते हैं तब भी अनुष्ठान कर सकते हैं, आप लोग नॉन वेज खाते हैं तब भी अनुष्ठान कर सकते हैं, कुछ भी नहीं खाते तब भी अनुष्ठान कर सकते हैं। आप लोगों का इच्छा के अनुसार, आप लोगों की इच्छा के अनुसार क्या खाना क्या पीना है ये आपने इच्छा के हिसाब से काम करना है। अभी क्या करना है मैं उल्लेख किया अपने टाइटल पर, रात को जग के बिताना है। शाम के टाइम में पूजा करें, रात को 9 बजे पूजा करें, कभी भी पूजा करें, सूर्य अस्त जाने के बाद पूजा करना है। पूजा करने के बाद शास्त्र के हिसाब से रात्रि जागरण, इस पूर्णिमा का नाम है कोजागरी। इसका अर्थ क्या है, कौन जाग रहा है, कोजागरी कौन जाग रहा है, तो इसका अर्थ है माँ बोल रहा है कौन जाग रहा है, माँ घूमता है। इस अनुष्ठान का एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। अनुष्ठान पूजा पाठ करने के बाद आप लोग बाहर घूमिए, ठीक है, अपने छत में जाइए, थोड़ा बैठिए, देखिए आप लोगों को 101% सफेद उल्लू आप लोगों को दिखेगा ही दिखेगा। सारे साल में कभी आप लोगों को कभी कभार हो सकता है दिखेगा, लेकिन इस दिन
101% आप लोगों को सफेद उल्लू दिखेगा। अगर ये भी हो सकता है, अगर आप लोगों को श्रद्धा और भक्ति है तो उल्लू आपके छत में आकर बैठे या बगल वाले छत में आकर बैठे गया। मेरे साथ ऐसा घटना कई बार हो चुका है, हर साल होता है, सिर्फ एक साल नहीं हर साल होता है, हर साल मैं देखता हूँ, हर साल आता है। इससे ज्यादा भी बहुत सारा इंसिडेंट घटना मेरे साथ हुआ है, लेकिन वो शेयर करना मेरे लिए संभव नहीं है। एक आप लोगों के लिए साधारण सा उदाहरण बताया। प्राचीन शास्त्र में इसके कई उदाहरण है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उदाहरण देते हुए जाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप लोगों को जितना आता है आप लोग अनुष्ठान कीजिए और रात्रि जागरण कीजिए। रात्रि जागरण आप लोगों को कैसे करना है, 24 घंटा सारा रात आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ना है? नहीं, आप लोग टीवी देखकर रात्रि जागरण कर सकते हैं, आप लोग गेम खेल कर रात्रि जागरण कर सकते हैं। रात्रि जागरण के लिए भी शास्त्र बोलने के, रात्रि जागरण के लिए उस समय में पाशा खेल कर रात्रि जागरण किया जाता था, कुछ ना कुछ खेल कर रात्रि जागरण किया जाता था। उल्लेख है खेल कर रात्रि जागरण, रात में तो कोई क्रिकेट तो नहीं खेलेगा। तो एक जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और कुछ ना कुछ गेम खेलते थे रात्रि जागरण के लिए, नहीं तो नींद आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है एक पॉइंट। रात्रि जागरण के बीच बीच में आप लोग जाइए, एक अखंड दिया माँ के लिए जलाइए और बीच बीच में आधा एक घंटा फिर से माँ का भजन कीर्तन करके आइए। फिर जब आपका शरीर नींद लगने लग जाएगा या आग थोड़ा भारी हो जाए, फिर आकर थोड़ा गेम खेलिए, थोड़ा इधर उधर थोड़ा घूम लीजिए, छत पे थोड़ा घूम लीजिए और देख लीजिए। मूल उद्देश्य है रात्रि को मातेश्वरी के नाम से समर्पण करना। एक रात्रि माँ के नाम से समर्पण किया और माँ को घर में आवाहन किया, ये मूल उद्देश्य है। कोजागरी शब्द का अर्थ मैं बता दिया। 9/10/2022 पूर्णिमा का संपूर्ण रूप से लाभ उठाइए, फायदा उठाइए पूर्णिमा का। जो पॉइंट जो पद्धति मैं आप लोगों को बताया कोई बताएगा नहीं, इसलिए मेहनत अगर करेंगे तो आपको ही फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो पैसा इन्वेस्ट होगा। इसके अलावा दो ऑप्शन के लिए मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है, शायद ये विश्व संसार में तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये अनुष्ठान इस पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी को, लक्ष्मी धन प्राप्ति, धन सबको चाहिए, ठीक है, धन सबको चाहिए। जो बिलियन माने जिसके पास बिलियन है ट्रिलियन है उसको भी धन चाहिए, और जिसके पास एकदम नहीं है 2 रुपये 5 रुपये उसको भी धन चाहिए। तो धन का आवश्यकता हर किसी को है, इसीलिए माता लक्ष्मी को उस दिन पूजना सब लोगों को जरूरी है। आगे आप लोगों का इच्छा, आप लोग चाहे तो मंत्र सिद्धि के लिए उस दिन को निर्वाचन करके मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई वशीकरण का अनुष्ठान कर सकते हैं या इत्यादि कोई भी मेरे चैनल पे जो प्रयोग पद्धति मैं बताता हूँ हर अनुष्ठान कर सकते हैं। ये नहीं उस रात में सिर्फ माता का ही गुणगान किया जा सकता है, उस रात में शांति कर्म हेतु कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र का आप लोग अनुष्ठान प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन इत्यादि कर्मों को छोड़कर शांति कर्म हेतु माँ कालिका का गुणगान कर सकते हैं, हनुमान जी का कोई अनुष्ठान कर सकते हैं, भोलेनाथ का अनुष्ठान कर सकते हैं। मूल वक्तव्य धर्म कर्म में एक रात को बिताइए, धर्म कर्म करते हुए एक रात बिताइए, बस यही उद्देश्य है। आगे आप लोगों का इच्छा, इतना दूर तक वीडियो को देख लिए तो आप लोगों को साधुवाद देता हूं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाला है, अगर थोड़ा आप लोग प्यार मोहम्मत दिखा दिए तो बहुत। शुक्रवार को मैं आप लोगों के लिए आकर्षण शक्ति, अपने आप में आकर्षण शक्ति को वृद्धि करने का एक अचूक जेन्युइन उपाय लेकर आ रहा हूं। वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, बिना डाउनलोड किए बिना स्किप किए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर देखिए। हरिओम तत्सत।